आई थिंक तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हाँ मिहिर, आलिया इज राइट, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं अच्छी तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। एंड आलिया भी है ना मेरे साथ। प्लीज मिहिर, तुम अपनी बहन के साथ नहीं रहोगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा। दैट्स इट, तुम्हें मेरे साथ ही आना पड़ेगा, अदरवाइज आई रियली फील बैड, मुझे बहुत बुरा लगेगा मिहिर। डोंट वरी मैम, अब भाई मुझे लगता है कि मैं शगुन और मनी के साथ ही रह जाता हूँ। मुझे भी ऐसे लगता है, तुझे शगुन के ही जाना चाहिए। पापा, मैंने बिल पे कर दिया, ये लो आपके पास। मीर, आई एम सो हैप्पी कि तुम हमारे साथ चल रहे, हम अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेंगे, और देखना यूं ठीक हो जाओगे तुम। सारी बातें तुम इसके साथ घर पे भी कर सकती हो। ये तो तैयार हो जाओ, आई ड्रॉप यू, मुझे ऑफिस भी जाना है। डॉक्टर साहब, घर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बताइए आइए प्लीज। रूही, मामू को लेकर चलो। एक मिनट रुको। मुझे बात करनी है तुमसे। What? मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हो? आलिया मिहिर को चाहती है, तब तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो, उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। तो इसमें गलत क्या है? आलिया को मिहिर के लिए फीलिंग्स है, और मैं समझ सकती हूँ कि वो उसे प्यार करती है, इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। साथ दे रही हो? किस बात का? आलिया कितनी छोटी है, उसको तो पता भी नहीं कि वो प्यार करती है या इन्फैटुएशन है। पर उसकी इस हरकत से न जाने कितने लोग हर्ट होने वाले हैं। मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगी। रियली? कैसे रोकोगी मुझे? हाँ, मिहिर अब मेरे घर आना है, आलिया और मिहिर साथ रहेंगे एक ही घर में, आलिया मिहिर को हेल्प करेगी। अब इस रोमांस को होने से कोई नहीं रोक सकता। इशिता, यू आर अनबिलीवेबल, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो शगुन, तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। तुमने पहले पीहू का इस्तेमाल किया, अब तुम आलिया का इस्तेमाल करना चाहती हो। मिहिर तो तुम्हारा भाई है, वो क्या चाहता है तुमने सोचा? मैं सिर्फ इसलिए अगेंस्ट नहीं हूँ दोनों के रिश्ते के, क्योंकि उनके बीच में इतना बड़ा एज डिफरेंस है, बल्कि मिहिर तो रिंकी के जाने के बाद से अभी तक उभरा ही नहीं है। जब मिहिर और मीका एक नहीं हो पाए, आई रिमेम्बर उसने मुझसे कहा था कि अब उसे अपनी जिंदगी में कोई और नहीं चाहिए, वो अकेला ठीक है, अब वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता, उसने खुद बताया है मुझे। हाँ, तो आलिया के आने के बाद उसके लाइफ में प्यार वापस आ जाएगा। What is your problem? वो क्या है? मान लेते हैं कि तुम ही अपने भाई की फिक्र हो रही है, तो एक बार उससे पूछो उसे क्या चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, वो सिर्फ अपने आप को एक मेंटोर मानता है आलिया का। वो आदि और आलिया को एक ही नजर से देखता है, दोनों उसके लिए बच्चे हैं, उसके लिए उसका दोनों के साथ एक ही रिश्ता है। और प्लीज, दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और प्लीज, तुम ये जगत माता और आलिया की अम्मा बनने का नाटक ना बंद करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्यों चाहती हो कि मिहिर और आलिया एक ना हो, क्योंकि तुम आलिया को आदि के लिए चाहती हो, राइट? तुम्हें पता है कि वो आदि की फिक्र मुझे भी है, वो मेरा भी बेटा है, ऑलराइट? अब अगर आलिया मिहिर से प्यार करती है तो मिहिर से प्यार करती है, यू कांट चेंज दैट। अब आदि को एक्सेप्ट करना होगा। मैं नहीं चाहती कि आदि के दिल में होप्स जगे, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का दिल। मेरा बेटा? बकवास, एज इफ यू केयर। तुम्हारा बेटा? हाँ, 7 साल तुमने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा है, थैंक यू, लेकिन उसके पिछले 12 साल तक तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, जेल गया है वो तुम्हारे कारण, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है, ना आदि की, ना पीहू की, ना रूही की, ना मिहिर की। तुम बस रास्ते ढूंढ रही हो कि किसी तरह से मैं इस परिवार को परेशान करूं, ईशिता को परेशान करूं। तुम बस मेरी, हाँ, मैं तुम्हारी नींदें उड़ाना चाहती हूँ, नींदें उड़ाना चाहती हूँ मैं तुम्हारी। तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस आई ही क्यों? वापस आके तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा रमन। तुम्हारा रमन कब था वो तुम्हारा? तुम क्या हो, बार बार वही वही बातें करती रहती हो। रमन ने तुमसे कब कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? उसने पिछले 7 सालों में कहा कि उसे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है? उसने कभी भी तुम्हारे सामने कोई लव कन्फेशन किया है? एक बार भी तुमसे बात की ना, मैं अपने बोरिया बिस्तर पैक करके यहां से चली जाऊंगी। लेकिन नहीं, तुम्हें वही रिपीट 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 करते रहना है। रिपीट करते रहूंगी जब तक मैं वो हासिल नहीं कर लेती जो मैं चाहती हूँ। और इस बीच में
आधी रूह ही आगे जो भी मेरे बीच में आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। आई डोंट केयर। रमन हमेशा से मेरा था और अब तुम्हारी बेटी पीहू वो भी मेरी हो जाएगी। तुमने कस्टडी के कई बैटल्स देखे होंगे लेकिन कस्टडी का ये बैटल जो होने वाला है वैसा बैटल कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये कस्टडी तुम नहीं मैं जीतूंगी। मेरी पीहू मेरे पास आ जाएगी और उसके साथ रमन एंड मनी ऑस्ट्रेलिया चला जाए कहां भी चला जाए आई डोंट केयर। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं जानती हूं कि मिहिर आलिया को एक्सेप्ट नहीं करेगा बट आई मेक श्योर कि मिहिर आलिया को एक्सेप्ट करे। आई मेक श्योर कि ये जो इन्फैटुएशन है ना वो प्यार में बदल जाए और अगर इसके लिए मुझे उनकी शादी करानी पड़ी तो मैं वो भी करा लूंगी लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद करके ही रहूंगी। सब मुझे कहते हैं बुरी हो गई हो बुरी हो गई हो पहले अच्छी थी। आई डोंट केयर। हमेशा मेरी जरूरत तो एक ही रही है ना रमन। जब मैं अच्छी थी तो क्या वो मुझे मिला? नहीं मिला तो फिर अच्छा होने का क्या फायदा? बुरी शगुन ही अच्छी है। अच्छी शगुन अच्छी थी लेकिन बुरी शगुन शी इज फैंटास्टिक। एनिशिता बल इस जंग को मैं जीत कर ही रहूंगी।